आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम फ्राइड राइस। उसके लिए हमें इन चीजों की जरूरत है। ऑयल 3 या 4 टेबलस्पून, चावल 1.5 कप लिए हमने, इनको हमने 15 मिनट सोक करके रख दिया था, अब इसका पानी निकाल दिया है। मशरूम अच्छे से वॉश करके ये 250 ग्राम लिए हमने, उनको अच्छे से साफ करके पोंछ के और उनके ऐसे पतले स्लाइसेस काट लिए हैं। शिमला मिर्च 1 मीडियम साइज की, उसके भी बारीक टुकड़े काट लिए हैं। स्प्रिंग अनियन, ये व्हाइट पोर्शन है, ये भी 50 ग्राम है, और ये ग्रीन पोर्शन है, ये भी 50 ग्राम है। जिंजर पेस्ट 1 टेबलस्पून, गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून, ग्रीन चिली सॉस 1 टीस्पून, रेड चिली सॉस 1 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार या 1.5 टीस्पून, और 1 नींबू का जूस। सबसे पहले हम चावल को बॉईल करेंगे, गैस चलाएंगे। पानी हमने तकरीबन 1.5 लीटर लिया है, इसको बॉईल करेंगे पहले, फिर इसमें चावल डालेंगे। पानी में उबाल आ गया है, अब इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि चावल आपस में चिटके नहीं। नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून और ये चावल डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। चावल को अच्छे से मिक्स कर दिया, अब ढक्कन लगाएंगे और गैस सिम पे कर देंगे। और चावल को हमें पूरा नहीं पकाना, इसे सिर्फ 75% ही कुक करना है। चावल को रखे 5 मिनट हो गए हैं, अब इनको चेक करते हैं। चावल हमारे 75% कुक हो चुके हैं, अब गैस करेंगे बंद और इनको छान लेंगे और इनका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। सबसे पहले हम मशरूम को कुक कर लेंगे, गैस चलाएंगे, ऑयल डालेंगे, 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें स्प्रिंग अनियन का व्हाइट वाला पोर्शन डालेंगे और उसको 1-2 मिनट तक पकाएंगे, स्टर करेंगे अच्छे से। गैस को मीडियम आंच पे रखना है। प्याज को भूनते 2 मिनट हो गए हैं, अब इसमें मशरूम भी डाल देंगे। अच्छे से स्टर करेंगे, सोया सॉस भी डाल देंगे साथ में, मिक्स करेंगे और ऐसे ही कड़छी चलाते रहेंगे। मशरूम ने पानी छोड़ दिया है, अब इस पानी को पूरी तरह से सुखाएंगे। मशरूम को अब ढक के पकाएंगे जब इसका पानी पूरी तरह से सूख जाए। मशरूम को चेक करते हैं, तकरीबन 8-9 मिनट लगे हैं, मशरूम का पानी पूरी तरह से सूख गया है। अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे, गैस करेंगे बंद। अब इसी पैन में सबसे पहले लहसुन अदरक भूनेंगे, गैस चलाएंगे और 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे, अच्छे से स्टर करेंगे और लगातार कड़छी चलाएंगे ताकि नीचे नहीं चिपके, और इसको भून लेंगे तकरीबन 2 मिनट तक। गैस को सिम पे कर देंगे और इसे लगातार कड़छी चलाएंगे, और जब ये हल्का ब्राउन हो जाएगा इसको तब तक भूनेंगे। लहसुन अदरक अच्छे से भुना गया है, खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब इसमें कैप्सिकम डाल देंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से और इसे भी 1 मिनट तक पकाएंगे। गैस को सिम पे ही रहने देंगे। 1 मिनट हो चुका है, अब इसमें स्प्रिंग अनियन भी डाल देंगे और सब सॉसेस भी डाल देंगे, रेड चिल्ली सॉस
ग्रीन चिली सॉस और नमक अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी तकरीबन एक मिनट और पकाएंगे। अब इसमें मशरूम भी डाल देंगे। मशरूम भी हमारे गल चुके हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे। लेमन जूस कर लेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से और साथ में ये हमने 75% राइस कुक किए थे ये भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। चावल को ढक देंगे और इसे 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो चावल थोड़े से कच्चे थे वो भी पक जाएं। गैस सिम पे ही रखनी है। चावल को चेक कर लेते हैं, 6 मिनट हो चुके हैं, गैस करेंगे बंद। चावल हमारे पूरी तरह से गल चुके हैं, ये देखिए। तो हमारे फ्राइड राइस तैयार हैं, अब इन्हें सर्व करेंगे। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, मशरूम फ्राइड राइस। आप इसे दही के साथ भी खा सकते हैं, रायते के साथ भी खा सकते हैं। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।